দিনও আছে তুমরো আগে কিয়া বাদ লে কিউ না পাকিস্তান যাওয়ার আপনারে সাথ মে আপনি পতি আগে কিয়া বাদ লে মারা রিচি আজ দশমা দিন কি জানা না তো খানা দিয়া গিয়া না পানি দিয়া গিয়া ইতনা বড়া সে ইতনা বড়া গুনেগার নেই জো জেল কে অন্দর খানা পানি বন্ধ কর দিয়া যায় মারা সে ये कहां का कानून है कि जेल के अंदर कैदियों को खाना पानी का दिया जाए क्या आपस में हो गए और आप उनको छुट्टी नहीं मिला है नहीं ठीक है दिवाकर सिंह आप लोगों को छुट्टी नहीं मिला तो मैं भी आपके महाराजा हूं और मेरा भी हुक्म चलता है महाराजा तो आपके साथ में ना हिसाबी किए लेकिन मैं आप लोगों को छूछर जरूर कराऊंगी क्यों हमारी फांसी हो जाए लेकिन मैं आप लोगों को भूखे नहीं देख सकती मंत्री जी आप स्थिर हो गए और हम लोगों को छूछर नहीं मिला आखिर ये सब क्या हो रहा है जाकर के इन लोगों का भोजन का प्रबंध कीजिए लेकिन महारानी जी भोजन का प्रबंध मैं कहां से करूं मंत्री जी सुबह को ले जाओ राजमहल और वहीं पर भोजन कराओ आप दिवाकर सिंह के लिए भोजन ले चुन ले आए जाओ मारा पीछे मेरे पति को कहीं मत क्यों आए बस आओ जब देना है कहीं मना तो हम दोनों पर ही इतना भोजन कर लेंगे मेरे पति को कहीं मत नहीं दिवाकर सिंह मैं भी एक नारी हूं और नारी का दर्द सिर्फ नारी ही समझ सकती है आपके पति भोजन करके और आपके पास आ जाएगी आपके पति को कुछ नहीं होगा और भोजन प्रेम से कीजिए क्या शुद्ध भोजन करेंगे नहीं अभी नहीं वो क्यों नहीं करेंगे वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे उसके बाद मैं भोजन करूंगा मंत्री जी जाकर शोभा को समझा दो कि वो बंगला नहीं रहा ये जेल अगर वो भोजन पा गई है तो भोजन करे मेरा इंतजार छोड़ोगे मेरा इंतजार क्यों कर दिया सिंह खबरा रहे तुम बैठ जाओ और पेट से भोजन करिए क्योंकि आज जिसका दिन गुजर रहा है तुम्हें खाना और पानी नहीं अपनी 10 दिनों की भूख को मिटाओ और हम लोग जा रहे हैं तुम्हारी पत्नी को समझा कर भोजन करा रहे हैं और हाँ दिवाकर सिंह अभी तक तुमने अपने बंगले का भोजन किया लेकिन आज तुम्हें ये राजमहलों का भोजन मिल रहा है बहुत स्वादिष्ट है और हाँ अगर भोजन कम पड़ता है तो खबर करना भोजन और आ जाएगा बैठ जाओ प्रेम से भोजन करिए कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा पहाड़ सर पर टूटने वाला है देख रमन
तेरे माता पिता की क्या हालत, मेरी परवरिश में क्या कमी थी जो इतनी बड़ी सजा दिया। जब कुछ जन्म लिया बहुत सारे अरमान दिल के अंदर, अब सारे अरमान छूट हो गए। जाओ बेटा, मैं तो बाप हूं, माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। जिस तरह अपने माँ बाप को रुला रहा है, उसी तरह भगवान तुझे खून के आंसू रुलाएगा। जाओ बेटा, कुछ नहीं कहूंगा। जेल से रिहा होकर
कहां जाऊंगा कौन हूं मेरा औलाद था वो भी धोखा दिया पत्नी थी मेरे दुख दर्द में हाथ हटाने वो भी दुनिया से मिटा दी गई अब मछली से भी आत्मा नहीं बचेगा आप मेरे कश्मीर आप मुझे वहां देंगे मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहूंगा आप दिवाकर सिंह वो दोनों तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं आज जिस तरह से तुम्हारी पत्नी का शीश काट कर तुम्हें भोजन के लिए दिया है उसी तरह एक दिन वो भोजन में जहर मिला करके तुम्हें भी दे देंगे और कुछ भी तुम्हें होते हुए मेरे बहादुर मैं अपने आंखों से देख नहीं सकता सिपाही दिवाकर सिंह को रिहा कर दू दूर निकल जाओ लेकिन जाते जाते तुमसे एक हमारी आखिरी ख्वाहिश से कि कहां से अगर हमारी बेटी पाए तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना नहीं महाराज मैं आपको धोखा दे रहा हूं अब मैं किसी की तलाश नहीं करूं इतना शुभ होते हुए फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हिम्मत पर सौंपी जा रही इसीलिए आप जेल से रिहा करवा रहे मैं आपकी बेटी की तलाश करूं नहीं कुछ अब न तो मेरे पास कोई बेटा है न बेटी कोई अब सिर्फ मेरे लिए एक ही मार्ग आत्महत्या करके मैं अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा मैं किसी की खोज नहीं करूंगा नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करो और तुम्हें मालूम है कि हमारी बेटी पाए वो हमारी पहली रहने की निशानी है जब से हमारी बेटी हमारा ये राज महल छोड़ कर गई है मैं अपने बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूँ अपने बेटी की याद में चौबीसों घंटे आंसू बहाता रहता हूँ मेरे बादल बस तुमसे आखिरी ख्वाहिश यही है कि कहां से अगर हमारी बेटी तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना अपने आप को ये आंसू को रोकिए दुश्मन सुनकी नहीं सोई नहीं मिला दो गरीबों को जिन्होंने आपकी पत्नी का शीश काटा है आज के बाद हम लोग भी नौकरी छोड़ रहे हैं जो भी असले वाले बाहर लगेंगे वो हम लोग ला के दे रहे हैं हम चल रहे हैं तुझे समझाया था तूने मेरी बात नहीं मानी आखिर माँ को इस दुनिया से लिटवा दिया सुना सुना बहुत प्यार करती थी बेटी से और वही बेटा तेरी मौत का कारण बना सुना तो इस दुनिया से चली गई एक महीना छोड़ दिया गया सुधा अपने पास बुला लो अपने पास उससे जुदा रहकर जिंदा मेरे बाबा अपने
खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया। अरे जिस तरह तेरी पायल थी उसी तरह मेरी पत्नी सुधा थी। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। सुधा आशी मैं बाप बेटे का रिश्ता तोड़ रहा हूं। तुम मेरा औलाद नहीं है, तुम मेरा खून नहीं है, तुम मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था, तुम मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया और अपने मां बाप को खा गया। रमन जिस तरह तूने मेरी खुशी छीनी है उसी तरह मैं तेरी खुशी को छीनूंगा। चैन की नींद नहीं सो सकता, मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा, मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। सुधा कितनी है सुधा, कब होगी? मैं इस तुझसे टूट गई डाली बिखर के समुद्र के हमारो छूट गयो।